हाँ जी बच्चे, तो आज की क्लासेस में एनुटी ड्यू का टॉपिक चला रहा हूँ मैं फिर से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, वो थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे। तो दोबारा से मैं इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एनुटी ड्यू का टॉपिक है बच्चे, एनुटी ड्यू क्या होता है? जब भी आप कोई पैसा आप डिपॉजिट करते हैं या फिर आप कोई पैसा लोन लेते हैं, तो स्टार्टिंग में ही, जब आप डिपॉजिट करने के टाइम पर ही, स्टार्टिंग में ही, आपके बिगिनिंग में ही आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एनुटी ड्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 साल के लिए पैसा आपसे उधार ले रहा हूँ, तो मैं आपको इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं दूंगा। जैसे मैंने आपसे उधार लिया, मैं उसी समय इमिडिएट आपको, उसी समय मैं आपको इंटरेस्ट पे कर दूंगा, इसके बाद फिर एंड पे करूंगा, मतलब स्टार्टिंग में ही मैं आपको इंटरेस्ट पे करता चला जाऊंगा। तो इस तरीके से आपके पास इसको हम बोलते हैं एनुटी ड्यू। क्लियर है बच्चे? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? इसका फॉर्मूला आपका रहेगा सामने स्क्रीन पर, देख लीजिए। कुछ बच्चों का आंसर मैच नहीं हो रहा था, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ एनुटी ड्यू। कोई पैसा आप जो है डिपॉजिट कर रहे हो, और स्टार्टिंग में ही आपके पास में किसी टाइम पीरियड के बिगिनिंग में ही आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो एनुटी ड्यू का टॉपिक हो गया। लिखा रहेगा एनुटी ड्यू, या तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा रहेगा स्टार्टिंग में। तो वहाँ पर आप ये आर जो आप एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, एस जो आपके पास में एन जितने बार आप जमा करेंगे उसमें प्लस वन, और आई माइनस वन, ये आपके पास में क्या है? एनुटी ड्यू का आपको अमाउंट ऑफ एनुटी ड्यू, आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इससे। क्लियर है बच्चे? तो अमाउंट कैलकुलेट करने का आपके पास में फॉर्मूला ये है। अब इसको अगर आपको तो ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, तो आपको क्या समझाया मैंने, इसमें आर जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, वन प्लस आई ऑलवेज रहता है, रेस टू पावर एन नहीं रहेगा इस बार, रेस टू पावर एन प्लस वन रहेगा, माइनस वन, जो अमाउंट का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था, ये पढ़ा था ना आर ब्रैकेट। क्लियर है बच्चे? वन प्लस आई रेस टू पावर एन पढ़ा था, एन प्लस वन है, माइनस वन और अपॉन आई, सेम फॉर्मूला हो गया। बस यहां पर क्या आ गया आपके पास में, एक चीज आ गया एन प्लस वन आ गया, एंड एक और चीज एक्स्ट्रा आ गई इसमें, क्या आ गया? माइनस आपके पास में वन एक्स्ट्रा आ गया। ये आपका एनुटी ड्यू का, अमाउंट ऑफ एनुटी ड्यू का फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ये देखो, इसे अमाउंट ऑफ एनुटी ड्यू का फॉर्मूला आपके पास में ये रहा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहां देखेंगे, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 10 ईयर ऑफ एन एनुटी 400 रुपीज पेबल एट द बिगिनिंग। जो आप पे कर रहे हैं 400 रुपए, वो बिगिनिंग पे कर रहे हैं, ठीक है बच्चे? और 10 साल के एंड में आपका अमाउंट कितना जाएगा? 10 साल में फिर आपको क्या होता है, 10 साल में 10 तो देंगे, एक स्टार्टिंग में दिया था वो भी एक एक्स्ट्रा हो गया, तो 11 बार आप देंगे। अनटिल 10 पेमेंट्स हैव बीन मेड इफ मनी इज द वर्थ 6% इफेक्टिव। क्लियर है बच्चे? ईयरली आप पेमेंट कर रहे हैं 10 पेमेंट, तो आपके पास में आर इक्वल्स टू है 400। क्लियर है? एंड आपके पास में एन इक्वल्स टू 10 है, एंड आपके पास में आर इक्वल्स टू 6% है, आई इक्वल्स टू क्या होगा फिर आपके पास में 0.06 हो जाएगा ना आई, और आप अमाउंट निकाल रहे हैं, और ये बिगिनिंग में पैसा आपका बिगिनिंग में डिपॉजिट हो रहा है, तो आप अमाउंट ऑफ एनुटी क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे एस का, तो एस का फॉर्मूला आपके पास में रहेगा आर एस एन प्लस वन और आई, जिसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको आप एक्सप्रेस करेंगे आर ब्रैकेट वन प्लस आई और रेज टू पावर एन नहीं होगा, एन प्लस वन होगा। क्लियर है? और माइनस वन तो आपका रहता ही है, और अपॉन में आपका क्या रहेगा आई, देखिएगा फॉर्मूला, माइनस वन और एक बार और माइनस वन लगेगा यहाँ पे अलग से 10 बार, ठीक है बच्चे? क्लियर है? अब यहाँ पे एस इक्वल्स टू आर क्या आपका, आर आपका है 400 रुपीज, एंड ब्रैकेट वन प्लस आई 1.06 रेस टू पावर एन प्लस वन, तो 10 प्लस 1 11, माइनस वन अपॉन 0.06 माइनस वन, एस इक्वल्स टू 400। सॉल्व करते हैं इसको, 06 इंटू पावर 11 है ना, तो इंटू करके इक्वल्स टू प्रेस कर लो, मैंने कैलकुलेटर यूज करना सिखाया ना आपको, तो ये 11 है तो यहाँ 12 तक आना चाहिए। अब माइनस इसमें से कर देते हैं 1,
पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं माइनस वन करके बता रहा हूँ। तो 0.8982, 0.06 माइनस वन, सॉल्व करते हैं, एस इक्वल्स टू 400। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 0.06 एंड माइनस वन, तो आपके पास में आया 13.9716 एंड एस इक्वल्स टू इंटू 400, 5588.65। ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास में क्या हो गया, ये सम ऑफ अमाउंट हो गया। ठीक है ना, क्लियर है? समझ में आया आपको ये? कोई डाउट किसी बच्चे को? डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब हर 3 महीने के स्टार्टिंग में ही 200 रुपये डिपॉजिट होता है इनटू अ सेविंग अकाउंट, तो एस इक्वल्स टू क्या आपका 200 रुपीज है, इज डिपॉजिटेड इनटू अ सेविंग अकाउंट दैट अ पेज 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपके पास में आर इक्वल्स टू क्या है, 8% है, और आपके पास में आई इक्वल्स टू 0.08 है, आई आपके पास में 0.08 है कंपाउंडेड क्वार्टरली। फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, अब 3 साल के एंड में अकाउंट में बैलेंस क्या होगा, तो 3 साल का एन निकाल रहे हैं, पहले आप एम निकालो, एम मतलब 1 साल में कितनी बार पेमेंट जा रहा है, 12 डिवाइडेड बाय कितने मंथ में जा रहा है, 3, तो आपके पास में 4, पर एन इक्वल्स टू क्या होता है, एम टी होता है, क्लियर है बच्चे? और एम के आपके पास है 4 और टाइम कितना है आपके पास में 3 ईयर, तो 12 हो गया आपके पास में, तो आपके पास में आर है, आपके पास में आई है। अब यहाँ पर आप आई भी निकालेंगे, ये तो आपके पास में आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई कैसे निकालेंगे, आई निकालेंगे आप 0.08 और ये क्या है डिवाइडेड बाय एम, एम के आपके पास में 4, तो क्या है 0.02, ये आपके पास में आई आ गया। बस सम ऑफ अमाउंट आपने कैलकुलेट करना है, तो एस इक्वल्स टू आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर एस ब्रैकेट एन प्लस वन एंड आई, जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन आई एंड एक बार माइनस वन और दिस वन, एंड आप सॉल्व करेंगे एस इक्वल्स टू आपके पास में आर क्या है, आर आपके पास में 200 रुपीज़ है बच्चे, दिस वन, ठीक है, और इक्वल्स टू 201.02 रेज टू पावर 13, ठीक है, और माइनस वन अपॉन 0.02 माइनस वन, ठीक है, एस इक्वल्स टू 200 ब्रैकेट 1.02 1.2936 एंड माइनस वन अपॉन 0.02 माइनस वन 200 इक्वल्स टू माइनस वन 0.2936 और डिवाइडेड बाय 0.02 माइनस वन एस इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 0.02 माइनस वन, तो आपके पास में 13.68 एंड मल्टीप्लाई बाय 200
एंड एस इक्वल्स टू 2736.06। समझ में आए बच्चे ये आपको? तो आपको एन्यूटी ड्यू, दो तरीके की एन्यूटी होती है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, एक ऑर्डिनरी एन्यूटी, इमीडिएट एन्यूटी इसको आप कहते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अमाउंट ऑफ द ऑर्डिनरी एन्यूटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्यूटी हो चुका है। अब मैं एन्यूटी ड्यू डिस्कस कर रहा हूँ आज की क्लास में आपका। तो एन्यूटी ड्यू के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, अमाउंट ऑफ द एन्यूटी ड्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी ड्यू। उसके बाद आपका एन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर डेफर्ड एन्यूटी का एक थर्ड कॉन्सेप्ट आपका चालू होगा, क्लियर है? उसका एक लास्ट टॉपिक है, देन आपके पास है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कवर हो जाएगा। व्हाट सम ऑफ द मनी डिपॉजिट इन द फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच सिक्स मंथ अंटिल 20 डिपॉजिट हैव बीन मेड विद द अक्यूमुलेटेड 10,000 rupees एट द एंड ऑफ द 10 years। इफ द फंड अर्न्स इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्वेश्चन आपके पास में है, इस बार क्या फर्क है? व्हाट सम ऑफ मनी डिपॉजिट, इस बार आपसे आर पूछ रहा है, क्या एक आपको डिपॉजिट करना चाहिए एक इंस्टॉलमेंट, और फंड एज द एज द सिक्स मंथ में आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो एम निकाल सकते हो आप। एम मीन्स साल में कितनी बार, 12 महीने होते हैं, हर 6 महीने में कर रहे हो, तो एम इक्वल्स टू 2 आ गया। अनटिल 20 डिपॉजिट, तो 20 डिपॉजिट में तो आपको यहाँ पर एन निकालने की जरूरत ही नहीं है, एन आपको गिवन है ऑलरेडी कि आप 20 बार पैसा जमा कर रहे हैं। हैव बिन मेड विद एक्यूमुलेटेड, और आपके पास में सम ऑफ अमाउंट आप कितना क्रिएट कर देंगे ऐसे करते करते 10,000 करेंगे एट द एंड ऑफ सिक्स। जाहिर सी बात है 10 साल की बात है, 6 महीने तो 20 डिपॉजिट तो होगा, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। इफ द फंड अर्न्स इंटरेस्ट 6% पर एनम, देखो 6% है ना, आप बोलोगे सर ये 6 महीने का ब्याज दिया हुआ है क्या? नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी गिवन है वो एनुअली ही होता है। वो आपसे कह रहा है कि आपको सेमी एनुअली कैलकुलेट करना है, इसका मतलब 6 महीने का नहीं है, ये साल का ही है। तो आपको यहाँ पर आई निकालना होगा, आई इक्वल्स टू क्या होगा, आर अपॉन एम, और आर क्या आपके पास में 6% जो कि फ्रैक्शन में 0.06 बोलोगे, और एम के आपके पास में 2 तो 0.03 हो गया। अब आप यहाँ पर अपना अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या आपके पास में, एस इक्वल्स टू आपके पास में आर एस एन प्लस 1 और आई, ठीक है, जिसको आप कैसे लिखेंगे, आर ब्रैकेट 1 प्लस आई आई एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आई एन माइनस 1 दिस वन। ये फॉर्मूला है ना बच्चे आपका, क्लियर है? एस इक्वल्स टू आर, आर क्या अब आपके पास में ये आपको निकालना है, एस आपको पता है क्या है, 10,000 है, इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1.03 रेज टू पावर, आपके पास में क्या ये एन इक्वल्स टू 21 माइनस 1 अपॉन 0.03 एन माइनस 1 एंड 10,000 इक्वल्स टू आर, आर के आपके पास में 1.03 इंटू 1.86029 माइनस 1 अपॉन 0.03 माइनस 1 एंड 10,000 इक्वल्स टू आर माइनस 1 0.86029 अपॉन 0.03 10,000 इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय 0.03 28.6748 एंड आर इक्वल्स टू
28.6748। टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई 28.6748 तो आपके पास भी आ गया 348.73। क्लियर है बच्चे? ये इंस्टॉलमेंट है जो कि आपको डिपॉजिट करना चाहिए। ठीक है ना? थोड़ा 19-20 आपका रिजल्ट अलग आ सकता है,